हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटे से उम्र का बच्चा है जो ब्रह्मचार्य है, और आप इनसे मिलिए और आपको इनकी बातें सुनकर एक बहुत अच्छा फील होएगा, तो आप इनसे बात कर लीजिए। सबको राधे राधे। मैं कार्तिक शर्मा, जो वृंदावन में श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी का शिष्य हूँ, और मैं पहले वृंदावन में श्री जड़खोर गोधाम में पढ़ा हूँ, जहाँ पर 10,000 गौवंश है इस समय। उसी गौशाला में मैं 1.5 साल पढ़ के वहाँ से वेदा अध्ययन के लिए महाराष्ट्र पुणे में गया, और वहाँ पे भी मैं जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, उनके विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आज का जो समय है वो बहुत गंदा चल रहा है, और उस हिसाब से जिस प्रकार सब लोग एक लाइन में चल रहे हैं गलत गंदी बातों में, उससे आपको हमेशा अलग जाना है सत्संग की तरफ, क्योंकि अगर आप वो कर लेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा। क्योंकि आजकल के लोग ये समझते हैं कि कलयुग है तो कुछ भी चल रहा है तो चलने दो, पर करपात्री जी महाराज जी ने कहा था कि कलयुग में भी कभी ये मत सोचना जी क्या बोलते चल रहा है तो चलने दो, सब नष्ट हो रहा है तो नष्ट होने दो, क्योंकि इसी कलयुग के चौथे चरण में भगवान कली का अवतार होगा। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना कि कलयुग है तो शराब लोग पी रहे तो हम भी पी के देखते एक बारी, नशा सब लोग कर रहे हैं, गंदी बातें सब लोग कर रहे हैं, माता पिता का कोई सत्कार नहीं है। इन चीजों से अगर आप दूर रह जाएंगे तो आपका भविष्य बन जाएगा, और इस चीज का इतना बड़ा अपराध लगता है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसका मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई है, उनके पिताजी है, उनसे आपसे मैं बात करवाती हूँ, और वो फेस टू फेस बता देंगे कि इनके मतलब जैसे इन्होंने कैसे इस बच्चे को शिक्षा दिलाई, कैसे उनका लालन पालन किया। हरिओम जी, मैं नितान शर्मा चंबागढ़ से, और आपने जैसे कि देखा है कि अभी मेरे सुपुत्र श्री कार्तिक शर्मा जी जो है, जो कि पहले राजेंद्र दास महाराज जी जो वृंदावन के पीठाधीश्वर भी है, और इनके सानिध्य में इन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेने के बाद जो है इन्होंने 2 साल का समय जो है इन्होंने जड़खोर, जहां पर 10,000 से अधिक गाय हैं, उनके मध्य वहाँ एक विद्यालय है, वेदों का अध्ययन होता है, तो वहाँ पर इन्होंने जो है वेदों का अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन करने के बाद जो है मतलब अभी भी कर रहे हैं, इन्होंने 2 साल का समय वहाँ पर काटा, फिर उसके बाद जो है इनको विशेष इनके जो गुरुजन है उन्होंने इनको पूना के लिए जो है वेद की अच्छी शिक्षा के लिए जो है इन्होंने वहाँ से जो है इनको पूना भेज दिया, और आजकल जो है ये पूना से जो है ये विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही जो है इनका बचपन से जो है धार्मिक परिवृत्ति, और विशेष करके गौ माँ की रक्षा करना, तथा बचपन से ये गाय के साथ ये बचपन से सोते थे, और गाय से बहुत प्रेम था, यहाँ तक कि हमने सोलन में रहकर भी 3 साल तक गाय को हमने पाला, और जब हमने उस गाय को घर भेज दिया तो ये इन्होंने जो है विद्यालय जाने से जो है मना कर दिया और रोने का कार्य शुरू कर दिया। इसी कारण से जो है हमारे को इनको जो है वृंदावन जो है जहाँ पर 10,000 गाय हैं उनके बीच इनको शिक्षा के लिए भी, और इनका जो गाय के प्रति प्रेम प्यार है उसके लिए जो यहाँ से भेज दिया, और थोड़ा सा दुख तो होता है
लेकिन जितना हमारे को दुख हुआ है, दुख की बात तो नहीं है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब इतना छोटा बच्चा जो है अपने हृदय से दूर रखना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर भी जो है हम जब आज की समय में हम अपने बेटे को चैनल के माध्यम से देखते हैं और कथा प्रवचन के माध्यम से देखते हैं और बड़े बड़े राम भद्राचार्य जी जैसे के साथ मिलना जुलना, तथा अनिरुद्धाचार्य जी है उनके साथ मिलना जुलना, और राजेंद्र दास महाराज जी से तो इन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया है। तो इतनी बड़ी महान हस्तियों के बीच यदि हमारा बेटा वहां पर शिक्षा अध्ययन करता है, उनके सानिध्यों में उनके चरणों पर जो है अपना विद्या का कार्य कर रहा है, तो हमारे को इससे बड़ी खुशी की कोई भी बात नहीं हो सकती है। तो मैं सभी जो भी ये चैनल के जो भी इस YouTube के माध्यम से या जो भी Facebook के माध्यम से हमारा कोई भी हमारी बात को सुन रहे हो, तो हम यही बात कहेंगे कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दें और थोड़ा सा बच्चों के ऊपर ध्यान दें, मोह माया को थोड़ा सा त्याग कर जो है विशेष करके जो है उनको अच्छी शिक्षा के प्रति जो है अग्रसर करें, और विशेष करके जो है ईश्वरी भक्ति में और भी जो भी अच्छा कार्य है उसमें जो है बच्चे की लगन और रुचि को बढ़ाना चाहिए। हरिओम नमः शिवाय। थैंक यू जी।